टू माई चैनल। सो आज के वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ कुछ एक्सपीरियंस ऑफ अनदर वेबसाइट, नॉट वेबसाइट, एन ऐप कॉल्ड मेशो। और मैंने मेशो से ख़रीदा था। क्या मेशो स्कैम प्रोडक्ट देता है या इसकी क्वालिटी कैसी होती है या फिर एवरीथिंग अबाउट मेशो मैं आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने ख़रीदा है तो आई वॉन्टेड टू टेल यू माई एक्सपीरियंस। क्या होता है कि मैंने बहुत सारे वीडियोज़ देखा जिसमें बहुत लोग बोल रहे हैं कि मेशो का प्रोडक्ट ये है वो है, कोई बोल रहा है अच्छा है, बहुत लोग बोल रहे हैं अच्छा है, बहुत लोग बोल रहे हैं कि स्कैम प्रोडक्ट्स भी है। तो मैंने ख़रीदा एंड आई वॉन्टेड टू शेयर माई व्यू पॉइंट्स विथ यू गाइस। सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद द वीडियो नाउ। तो मैंने एक फ़ोटो देखा, आपको मिल जाएगा यहाँ पे कहीं पे, वो लखनऊ चिकन और वॉट एवर एक सलवार था, कुर्ती था। मुझे बहुत पसंद आया क्योंकि ये कुर्ती मुझे चाहिए था और मुझे लैवेंडर कलर में चाहिए था। इंस्टाग्राम में मुझे ये सिमिलर कुर्ती दिखा था, उसका प्राइस 720 था, तो 720 और 780 था सब कुछ मिला के। तो मुझे चाहिए था कि मैं थोड़ा अफोर्डेबल में अगर मिल जाता है मेशो से, मैंने सुना बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल में चीज़ें मिलती है, तो मिल जाता था क्यों ना ख़रीदूँ मैं वहाँ से। तो मैंने वहाँ पे सर्च किया और मैंने देखा कि ऐसा कुर्ती है जिसका प्राइस है 600 रुपीज़, और एज आई वॉज अ फर्स्ट बायर आई गॉट 100 रुपीज़ ऑफ, सो आई हैड टू गिव 500 रुपीज़ आई गेस। तो 500 में मेरा खेल ख़त्म हो गया, जो मुझे कुर्ती चाहिए था वो मुझे मिल गई। तो वो कुर्ती कैसा है, क्या वो सेलर सही है, पहली बात तो अगर आप मेशो में फ़र्स्ट ख़रीदने वाले में से हो तो उस सेलर के नीचे में जाके आप रिव्यूज़ पढ़ो, पिक्चर्स देखो, पिक्चर्स नहीं है तो वहाँ से नहीं ख़रीदना है। और सेम प्रोडक्ट्स आपको बहुत सारे बायर्स से मिल जाएगा, तो क्यों एक दिख गया तो वही ख़रीदना है उसका रिव्यू ना जान के। तो रिव्यूज़ देखो, पिक्चर्स देखो, लोग क्या बोल रहे हैं उसके बारे में वो जानो। अगर इसका व्यू अगर मतलब 5 में से 4 है तो आप देखो उसका रिव्यू अच्छा लगा तब जाके आप ख़रीदो। तो ये सब डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट नोइंग द रिव्यूज़ डू नॉट एवर बाय एनीथिंग फ्रॉम एनी वेबसाइट, दिस इज़ माई यू कैन से सजेशन टू यू गाइस। तो मैं अब दिखाने वाली जो मैंने ख़रीदा है, पहली बात तो ये कुछ ऐसे पैकेट में आया, मैंने एक ही ख़रीदा है वैसे, ऐसा पैकेट में आया। और ये है इसका कलर, ओके, ये है इसका कलर, लाइलैक कलर। ये रहा ये कुर्ती, ये रहा वो कुर्ती, इसका हैंड आप देख सकते हो, एंड दिस इज़ द कुर्ती। ये पूरा शीयर आता है, यू कैन सी पूरा शीयर, ओके, पूरा मतलब कोई इनर नहीं है, विदाउट इनर है वैसे, 600 में आपको विदाउट इनर मिल जाएगा। तो मैंने ये कहाँ से लिया, क्या लिया, मैं तो आपको फ़ोटो में दिखा दी हूँ। तो मैंने पूरा चेक किया क्योंकि इतना खूबसूरत से कुर्ती इतने प्राइस में कम में कैसे मिल सकता है। मैंने पूरा देखा उसका, आप अगर कारीगरी देखोगे तो सुंदर सा रोज़ का पूरा प्रिंट बना हुआ है, ब्यूटीफुल सा प्रिंट बना हुआ है। तो मैंने पूरा देखा और मुझे कहीं भी कुछ भी सिलाई उठा हुआ या फिर कुछ भी मुझे अभी तक नहीं मिला है जिससे मैं बोलूं कि ये फ्रॉड प्रोडक्ट है, डिस्प्यूट या फिर ख़राब प्रोडक्ट है या फिर कुछ भी इशू है प्रोडक्ट में, ऐसा नहीं है। ब्यूटीफुल प्रोडक्ट है, ब्यूटीफुल, आई एम मोर देन अमेज्ड विद दिस प्रोडक्ट। और आपको हर साइज़ में अप टू सेकेंड 2XL आपको मिल जाएगा। तो मेशो मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने देखा था किसी ने वीडियो बनाया कि लहंगा जब उन्होंने ख़रीदा उनको साड़ी दे दिया गया है, तो मुझे नहीं पता ऐसा होता होगा, डेफिनेटली आई एम नॉट टू श्योर बिकॉज इट इज़ नॉट इवन अमेज़न में आजकल भी, अमेज़न इतना बड़ा ब्रांड है, वहाँ से अगर कुछ ऐसा उल्टा फुल्टा आ सकता है। मेरे साथ तो हुआ है, मैंने वाइट नेल पॉलिश दिया, मेरे को नहीं पता कौन से कलर का भेज दिया, मैंने एक कॉम्बो नेल पॉलिश ऑर्डर दिया, उसका फालतू एकदम से उसका पूरा एकदम नेल पॉलिश वो बेकार नेल पॉलिश था। तो अगर एक बड़े ब्रांड अमेज़न से ऐसा चीज़ें हो सकती है कि आपको उल्टा फुल्टा सेलर से उल्टा फुल्टा चीज़ें मिल सकता है, तो क्यों नहीं हो सकता मेशो से। लेकिन ये वाला मुझे अच्छा मिल गया, पर हो सकता है कि आपको डिस्प्यूट माल भी मिल जाता होगा कभी कदार या फिर
होता होगा कोई फ्रॉड सेलर, उन लोगों को पता नहीं चलता होगा। तो मेशो में मैंने सुना था कि एक्सचेंज नहीं होता, रिटर्न अच्छे से नहीं होता, ऐसा तो मुझे अभी तक एक्सपीरियंस कुछ हुआ नहीं, मैंने ना ही रिटर्न कुछ पॉलिसी किया ना ही एक्सचेंज किया। लेकिन अब अगर आप ख़रीदने जाओगे प्लीज़ सोच समझ के, स्पेशली रिव्यू बिना देखे बिल्कुल मत ख़रीदना। और या आई फील दैट वट एवर आई बॉट बाई गॉड ग्रेस मैंने अच्छा मुझे मिल गया। लेकिन अगर आपका कोई ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ है तो डेफिनेटली कमेंट में मुझे शेयर कीजिए। एंड मुझे यही बताना था दैट मेरा एक्सपीरियंस सही गया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मेशो से मुझे एक्सपीरियंस सही हुआ तो सबको होगा। तो अदर देन दैट आई हैव नो इशूज़ विद प्रोडक्ट, आई एम हैप्पी विद द प्रोडक्ट। तो अगर आपको कोई भी क्वेरीज है या फिर कोई भी आपका एक्सपीरियंस है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोलिए। और या दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज वीडियो, आई होप यू गाइस एंजॉयड दिस वीडियो, एंड इफ यू डिड देन डू नॉट फॉरगेट सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। एंड आई विल बी टॉकिंग टू यू गाइस ऑन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन यू गाइस टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय।